राजीव खन्ना बनिया देश का 51वां मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में दिलाया पद और गोपनीयता की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात रा वड़ताल में श्री स्वामीनारायण मंदिर 200वां वर्षगांठ जलसा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करिया संबोधित। कया लोगों की सेवा करनो स्वामीनारायण री है परंपरा। प्रदेश की 7 विधानसभा में 13 नवंबर ने होवनवाड़ा उपचुनाव खातर आज शाम थम जावेलो चुनाव प्रचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वडोदा में माए और कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट उनियारा और दोसा माए करिया जनसभावा। प्रदेश माए होवनवाड़ा उपचुनाव खातर 3127 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता आपरा मताधिकार रो करिया उपयोग। सातों विधानसभा क्षेत्र माए निष्पक्ष चुनाव खातर 9072 सुरक्षा कर्मी करिया किया तैनात। और जयपुर माए ज्ञान शक्ति थिंक टैंक वेटरन्स इन नेशन बिल्डिंग कानीसू सेमिनार रो करियो गियो आयोजन। राजस्थान माए बत्तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग खातर करी की चर्चा। नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन माए आप लोग घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबरा विगतवार। जस्टिस संजीव खन्ना देश रा 51वां मुख्य न्यायाधीश बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस खन्ना ने आज राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता री शपथ दिलाई। जस्टिस खन्ना अनुच्छेद 370 ने निरस्त करबा जेड़ा सुप्रीम कोर्ट रा कई ऐतिहासिक फैसला रूपी हिस्सो रिया है। जस्टिस खन्ना 13 मई 2025 ने इन पद सु सेवानिवृत्त होवेला। I Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, to swear in the name of God, do swear in the name of God, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws, and that I will uphold the Constitution and the laws. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात रा वड़ताल में श्री स्वामीनारायण मंदिर 200वीं वर्षगांठ समारोह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। इन दौरान वणा कया के निहित स्वार्थ खातर बांटबारी साजिश में लागोड़ा लोगारी कोशिशा ने नाकाम करनो है। प्रधानमंत्री कहो कि भगवान स्वामीनारायण की प्रेरणा आजादी री टेम भारत ने पुनर्जीवित किया। वणा कया के लोगारी सेवा करनो स्वामीनारायण री परंपरा है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 200 रुपया रो चांदी रो सिक्को और डाक टिकट भी जारी करिया। भगवान श्री स्वामीनारायण के चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान श्री स्वामीनारायण की कृपा से वड़ताल धाम में द्विशताब्दी समारोह का भव्य आयोजन चल रहा है। वहां देश विदेश से सभी हरिभक्त आए हुए हैं और स्वामीनारायण की तो परंपरा रही है, सेवा के बिना उनका कोई काम आगे नहीं होता है। आज लोग भी बढ़ चढ़ करके सेवा कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं।
मैंने पिछले कुछ दिनों में टीवी पर इस समारोह की जो तस्वीरें देखी, मीडिया में, सोशल मीडिया में जो वीडियो देखे, वो देखकर मेरा आनंद अनेक गुना बढ़ गया। साथियों, वड़ताल धाम की स्थापना के 200 वर्ष, ये द्विशताब्दी समारोह ये केवल एक आयोजन या इतिहास की तारीख नहीं है, ये मेरे जैसे हर व्यक्ति के लिए जो वड़ताल धाम में अनन्य आस्था के साथ बड़ा हुआ है, उसके लिए बहुत बड़ा अवसर है। प्रदेश की सातू विधानसभा में 13 नवंबर ने होवनवाड़ा उपचुनाव खातर आज शाम सु चुनाव प्रचार थम जावेलो। इंद्रे साथे ही कांग्रेस, भाजपा समेत न्यारा न्यारा राजनीतिक दलारा प्रत्याशी और राजनेता जनसभा और रैलियां भी नहीं कर सकेला। इनसु पहली काले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रामगढ़ विधानसभा सु भाजपा रा प्रत्याशी सुखवंत सिंह रा समर्थन माए बड़ौदा में माए जनसभा ने संबोधित करिया। इन दौरान वणा कांग्रेस माते निशानो साधता थका कया कि उनकी सोच दलित विरोधी है। वणा आरोप लगाया कि कांग्रेस की टेम मेवात माए दलित अत्याचार बढ़िया, वटे अब भाजपा री डबल इंजन सरकार माए मेवात अपराध मुक्त हो रियो है। इस विधानसभा का नाम ऐसा नाम है, अगर दिन में 10-5 बार ले लिया तो वैसे ही तर जाओगे। ये रामगढ़ ऐसा विधानसभा है जिसके नाम लेने से ही बहुत कुछ हो जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि जिस तरह से भाई हमारे सुखवंत जी ने जो अपनी छवि अपने पूरे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर, क्योंकि सुखवंत जी को सभी जानते हैं और इनके मन में यह तमन्ना है, ये जनता की सेवा करना चाहते हैं। और आपने देखा होगा, अभी आपने देखा कि सबसे पहले पर्चा बांट के क्या कह रहे थे, बड़ौदा में ये भी आवश्यकता है, कॉलेज की भी आवश्यकता है, अस्पताल की भी आवश्यकता है। और मेरे से कह रहे थे उस दिन, भाई साहब रामगढ़ में तो क्या आवश्यकता है, ब्रिज बनाने की आवश्यकता है, रेलवे का जो लाइन है उस पर ब्रिज बनाने की आवश्यकता है। अब आप देखिए, जिस व्यक्ति को अभी से चिंता लग गई काम की, वो कितना काम आपके बीच में करेगा। कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव और टोंक सु विधायक सचिन पायलट कया कि जम्मू कश्मीर ने पूर्ण राज्य रो दर्जो मिलनो चाहिए। पायलट उनियारा माए देवली उनियारा विधानसभा सीट सु कांग्रेस रा प्रत्याशी केसी मीणा और दोसा माए डीसी बेरवा रा समर्थन माए जनसभा ने संबोधित करिया। इन दौरान वणा राज्य री भजनलाल सरकार माते कटाक्ष करता थका कया के जनता रो इन सरकार सु 11 महीना माए ही मोह भंग हो गयो है। पायलट लोगासु कांग्रेस प्रत्याशी रा समर्थन माए वोट दे बारी अपील करी। वटे ही मीडिया सु बातचीत करता थका नरेश मीणा रा निर्दलीय चुनाव लड़बा माथे कया कि या चुनाव केवल भाजपा और कांग्रेस रे बीचे है। मैं भी झबड़ा क्षेत्र से 5000 वोट से आ रहा हूँ। 11 महीने के कार्यकाल से लोग भयंकर संतुष्ट हैं। आज खाद डीएपी की किल्लत है, किसान परेशान है और 11 महीने में लोगों का विश्वास खोया है सरकार ने, इसलिए जनता भी इन सातों जगहों पर सरकार के काम का आकलन करेगी। हमारे उम्मीदवार मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और मैं मानता हूं कि अच्छे बहुमत के साथ लोग चुनाव जीतेंगे। मुख्य मुकाबला यहाँ भाजपा और कांग्रेस का है, पिछली बार की तरह यहाँ पर भाजपा को हारना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। यहाँ के हमारे उम्मीदवार भारी हिम्मत से जीत कर जाएंगे। टोंक जिलारी देवली उनियारा सीट माते होवनवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबलो बनियो रो है। अठे भाजपा सु राजेंद्र गुर्जर और कांग्रेस सु कस्तूर चंद मीणा चुनाव मैदान में है। वटे ही कांग्रेस सु बागी हुआ नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी रा रूप में चुनाव मैदान में उतरने मुकाबला ने त्रिकोणीय और रोचक बना दियो है।
कांग्रेस और भाजपा अठे चुनाव प्रचार में आपरी पूरी ताकत लगा रिया है। भाजपा कांग्रेस का नेता इन सीट माथे आप आपरी जीत रो दावो कर लिया है। बात अगर लाडला दो विधानसभा चुनाव की करा तो अठे कांग्रेस रा हरीश मीणा जीतिया हा, वणा लोकसभा चुनाव में सांसद बनवारे कारण या सीट खाली हुई है। चुनाव प्रचार चल रहा है, सभी लोग हमारे जो गांव के हैं, क्षेत्र के लोग हैं, जिनमें काफी उत्साह है, उल्लास है और 13 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि कब 13 तारीख आए और ये बटन दबा के राजेंद्र गुर्जर को पुनः विधानसभा में भेजने के लिए तत्पर है। सब आंकड़े शुभ हमारे लिए, जब जनता जनार्दन मेहरबानी होती है, उनकी मेहरबानी होती है तो सारे आंकड़े शुभ होते हैं। इसमें कितनी मेहरबानी नजर आ रही है मेरे पर, तो जनता जनार्दन की मेहरबानी है, इससे बड़ी कोई मेहरबानी नहीं। और प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है, मैं डोर टू डोर, गांव टू गांव में गया हुआ हूं और लोगों के चेहरे पे बहुत मुस्कान है, तो इसे लगता है कि पार्टी का बहुत अच्छी वो है पोजीशन और हम सोचते हैं कि अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। जनता के बीच में जाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे ताकि जनता को, जो नेताओं को जो दया हम पर नहीं आई, पार्टियों को जो दया नहीं आई, कम से कम जनता हम पर दया करके और हम पर विश्वास जताएगी, हम पर भरोसा करेगी, हमें आशीर्वाद देगी। ये चक्रवात चल रहा है, ये तूफान खड़ा हुआ है और ये ऐसा चक्रवात है जो समुद्र के किनारे जब वो नावें खड़ी रहती है, ये चक्रवात उस समुद्र के किनारे खड़ी बीजेपी और कांग्रेस की नावों को समुद्र में डुबो देगी और ये चक्रवात एक बड़ा तूफान बनकर 2028 में एक अलग ही रूप में ये राजस्थान की जनता के सामने आएगा। प्रदेश में 7 विधानसभा क्षेत्र में हुवनवाड़ा उपचुनाव खातर 3,127 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं आपरा मताधिकार रा उपयोग करिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन बताया कि होम वोटिंग खातर 4 नवंबर से मतदान री प्रक्रिया शुरू हुई, जबकि 2 चरण में पूरी हुई। वणा बताया कि होम वोटिंग खातर आवेदन करण वाला 2,365 वरिजना माए सु 2,306 मतदान करिया। इनी प्रकार घरासु मतदान रो विकल्प चुनबा वाला 828 दिव्यांगा मायसु 821 आपरा मताधिकार रो प्रयोग करिया। प्रदेश में 13 नवंबर ने होवन वाला उपचुनाव ने लेर निर्वाचन विभाग सगड़ी तैयारियां पूरी कर ली है। रामगढ़, दौसा, झुंझुनू, सलूम्बर, चौरासी, खींवसर और देवली उनियारा माए स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव खातर कानून व्यवस्था रा पुख्ता इंतजाम करिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन बताया कि इन क्षेत्र में 9,000 सुबत्ता सुरक्षाकर्मी नियुक्त करिया गया है। इन माए केंद्रीय सुरक्षा बल री 43 कंपनियां तैनात करी जावेली। इनके अलावा आरएसी री 17 कंपनियां और राज्य पुलिस रा 6,275 कार्मिक और होमगार्ड रा 650 जवान तैनात करिया जा रिया है। जयपुर माए आज ज्ञान शक्ति थिंक टैंक वेटरन्स इन नेशन बिल्डिंग कानीसू मिलिट्री स्टेशन रा सप्त शक्ति ऑडिटोरियम माए सेमिनार रो आयोजन करियो गयो। सम्मेलन माए उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कया के पहलिया भारत ने केवल एक बाजार मान्यो जावे हो, पर अब पीएम मोदी रा नेतृत्व माए देश माए मैन्युफैक्चरिंग माथे जोर दियो जा रियो है। वणा कया के इन सेमिनार माए राजस्थान माए 3200 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो, इन माथे गहन चर्चा करी जा रही है। और बुलेटिन अंत में मुख्य खबर एक फेरो। जस्टिस संजीव खन्ना बनिया देश का 51वां मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में दिलाया पद और गोपनीयता की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात का वड़ताल में श्री स्वामीनारायण मंदिर 200वां वर्षगांठ जलसा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करिया संबोधित। कया लोगारी सेवा करनो स्वामी नारायण री है परंपरा। प्रदेश की 7 विधानसभा में 13 नवंबर ने होनवाड़ा उपचुनाव खातर आज शाम थम जावेलो चुनाव प्रचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वडोदा में उमाए और कांग्रेस रा राष्ट्रपति महासचिव राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट उनियारा और दौसा में करिया जनसभावा। प्रदेश में होवनवाड़ा उपचुनाव खातर 3,127 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता आपरा मताधिकार रो करिया उपयोग। 7 विधानसभा क्षेत्र में निष्पक्ष चुनाव खातर 9,000 सुबत्ता सुरक्षाकर्मी करिया गया तैनात। और जयपुर में ज्ञान शक्ति थिंक टैंक वेटरन्स इन नेशन बिल्डिंग कानीसू सेमिनार रो करियो गयो आयोजन। राजस्थान में 3200 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग खातर करेगी चर्चा।
डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। आप वटे भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबर ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरों बुलेटिन अठे ही पूरा हो। आप देखता रहिजो डीडी राजस्थान। नमस्कार।